नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे कोचिंग सेंटर IIM पीके साहू से जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे दोस्त कुछ दोस्त जो है रायपुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने पहल की है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो। 3 महीने होने के बावजूद अभी भी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। कब रिजल्ट जारी होगा, तो कब लिस्ट बनेगी, अब किस प्रकार से बनेगी, उनका पूरा मांग है दोस्तों कि जो हमारे शिक्षक जो वर्ग 3 हैं उसका पूरा पद भरा जाए, चाहे वर्ग 3 का हो चाहे वर्ग 2 का हो। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखी हुई है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से देखा और आपको इस वीडियो को आपके पास डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि हमारे दोस्त ने कितनी मेहनत से, अपने सूझबूझ से ये सारी पहल करने की कोशिश की कर रही है। आगामी में यदि इस तरह से उसके मांगे, हमारी मांगे यदि कुछ तरीके से नहीं माना जाता है और पूरा पद फिलअप करने की कोशिश नहीं हो पा रही होगी, तो बिल्कुल हम इनके साथ देंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें दोस्तों, ताकि सबके पास पहुँचे और देखे और समझे और आगामी के लिए तैयार रहे। ठीक है दोस्तों, आप खुद देखेंगे वीडियो आगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा जो शिक्षा साथी, हमारे जो साथी है वो पूरे वहाँ गए थे और बातचीत किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे वीडियो। सर, पहले 2013 में भर्ती हुई तो उनका ये कहना था कि ये शिक्षा विभाग है, वो पंचायत विभाग है। तो हमने कहा इसीलिए सर हम ज्यादा उम्मीद रखते हैं और इसीलिए 14,500 सी पोस्ट भरे जाएं, कैसे भी करें वही हम मांग है। वो किसी भी तरीके से आप भर्ती कराओ, राज्य स्तरीय कराओ, कैसे MCCL पद्धति करते हो, क्या करते हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। भर्ती 4,000 पद अगर वर्ग 3 में है तो 4,000 पद उसमें भरे जाए, किसी भी प्रकार का कोई बैकलॉग ना हो। तो उनका ये कहना है कि यही सब प्रक्रियाएं हमारे दिमाग में चल रही है, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए और हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा पद भरा जाए। वो ये बोले कि उनकी मतलब उनका जो है प्रायोरिटी यही है कि वो लोग पूरे पदों पे भर्ती करें कैसे भी करके। ठीक है, और जो चीज को हम उनको बोले वो बोले कि ये आधी बातें हमारे माइंड में थी और हम भी यही चाहते कि पूरे पदों पे भर्ती। हमने बोला कि बहुत सालों बाद आया है, बेरोजगारी की आलम बढ़ी हुई है, बोले हम इस चीज को जानते हैं, इसलिए हम भी यही चाह रहे हैं कि कैसे भी करके पूरे पदों पे भर्ती हो। राज्य स्तर पर नहीं होगा लेकिन भर्ती जरूर होगी, भर्ती पूरी क्योंकि इसमें राजपत्र वाली बात है और उन्होंने सिरे से नकारा है इस बात को कि ये राज्य स्तर पे भर्ती नहीं हो सकता। ये होगा तो जिला स्तरीय ही होगा, भले ही हम उस पे पूरे भर्तियों को उसी में करने का प्रयास करेंगे। नहीं, उन्होंने ये बताया कि 20% वाला जो नियम है वो कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, उसको हम मान भी सकते। उन्होंने ये कहा कि ये वेटिंग लिस्ट जो है कोई कंफर्म नहीं है कि कितना आता है, कैसे आता है, वो ज्यादा भी वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट किए हैं कि भाई ज्यादा बुलाइए आप, ताकि अधिक से अधिक लोग शामिल हो सके, हम सोच रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस मिला है वहां से, देखते हैं जैसा भी होता है। अगर हम अपने को नहीं समझ में नहीं आया कि नहीं कोई पॉजिटिव नहीं है तो फिर कुछ और कदम उठाएंगे। नहीं, तो हमको पॉजिटिव अपनी जगह पे है, लेकिन हम अपना जो काम जो बोले थे, जो जनप्रतिनिधियों को देने वाला काम, वो सब काम मंडे से चुपचाप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमको कोई लिखित में आश्वासन नहीं मिला और वो जो बोला भी है ना, हम उसको रिकॉर्ड किए, हम तो खड़े थे वहाँ। ठीक है, तो वो पलट भी सकता अपनी वासनी में, ऐसा नहीं बोला। तो हमारा जो काम है उसको हम जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने देंगे, संज्ञान में ला दिए हैं। अब आगे उनकी मर्जी, आश्वासन कैसे ऐसा होगा, ऐसा होगा होगा तो अपने हिसाब से हम कराएंगे, अपने हिसाब से अपन कराएंगे। हाँ, मंत्रियों से मिलेंगे, बात की बात है सीएम से। तो भैया वो सीएम से वैसा जाके हाँ ये बोल रहे हैं करके एक सेकंड वाला काम नहीं करना है ना, वो बैठ के हमारी बात को सुने समझे वैसा करना है। सर, रिजल्ट के बारे में चर्चा हुई क्या? रिजल्ट आ जाएगा बोले, तो इस महीने पूरा हो जाएगा सब। और नियुक्ति प्रक्रिया कब तक होता है? नियुक्ति प्रक्रिया ज्वाइनिंग कब तक देंगे सर? अभी वो देखो, वो भी अभी वो लोग क्या इसमें मंथन कर रहे हैं, क्या करना है उनको खुद को क्लियर नहीं है। उनको जब क्लियर हो जाएगा ना तो वो चीजें समझ आएगी, और वो चीज हमको समझ में नहीं आएगी तो हम फिर अलग तरीके से।